भारत माता की, भारत माता की। आमार सकल प्रिय बंधुगण सबाई के नमस्कार, शिलचरे जानाई आमार प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हम सबके वरिष्ठ नेता कविंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी उम्मीदवार, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं 4 जनवरी को आपके बीच आया था। मैं देख रहा हूं वहां रोड पर भी दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। सिलचर और करीमगंज के सभी साथियों को रंगाली बिहू और पोइला बैशाख का बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांचा कांति देवी, बंशी गोपाल, मदन मोहन की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। साथियों, आप इतनी बड़ी संख्या में 2019 के चुनाव के लिए हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हवा का रुख किस तरफ बह रहा है ये आपके उत्साह से साफ पता चल रहा है। आज देश के कुछ हिस्सों में प्रथम चरण का मतदान हुआ है। अब तक जो जानकारी मुझे मिली है, उस जानकारी के हिसाब से एक जबरदस्त लहर फिर एक बार जबरदस्त लहर दिखाई दी है। हमारे विरोधियों का इस चुनाव में बचना मुश्किल है, ये जनता जनार्दन ने तय कर लिया। और आज यहां पर भी मैं यही जन सैलाब देख रहा हूं। आज यहां पर 5 सीटों का चुनाव चल रहा है असम में, वहां से भी जो खबर आई है 5ों 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत करके रहे। भाइयों बहनों, ये चुनाव सिर्फ इतने के लिए नहीं है कि किसकी सरकार बने, कौन एमपी बने, बल्कि ये चुनाव भारत की दिशा तय करेगा। ये चुनाव तय करेगा कि भारत का हर कोना, हर सपूत सुरक्षित रहेगा या डर के साए में जीने के लिए मजबूर होगा। ये चुनाव तय करेगा कि भारत में एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान की व्यवस्था और मजबूत होगी
या टुकड़े टुकड़े गैंग सब पर हावी हो जाएगी। ये चुनाव तय करेंगे कि 130 करोड़ भारतीयों का विकास होगा या सिर्फ एक परिवार का होगा। भाइयों और बहनों, 2022 तक 2022 तक हर गरीब को अपना पक्का घर मिलेगा, ये फैसला आपके वोट से होने वाला है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, ये निर्णय भी इस चुनाव में आपके वोट से होने वाला है। गांव गांव, खेत खेत पानी मिलेगा, ये इस चुनाव में आपका वोट तय करने वाला है। देश के नागरिकों को बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का कवच निरंतर मिलता रहे, इसका फैसला भी आपका एक वोट करने वाला है। भाइयों और बहनों, ये जितने भी संकल्प हैं वो तभी सिद्ध होंगे जब इस पर आप चौकीदार को आप सब पूरा आसाम चौकीदार को पिछली बार से भी अधिक शक्ति देंगे। देंगे क्या? पक्का मिलेगा? सिलचर प्लीज, सिलचर और करीमगंज का एक एक वोट मोदी को ताकत देने के काम करेगा। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि जो लोग बाहर हैं, दूसरे शहरों में रह रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि मतदान वाले दिन वे यहां वापिस आए, मुझे आशीर्वाद दें। आप अपने गांव वालों को बताओगे, रिश्तेदारों को बताओगे, सब लोग वापिस आएंगे। अगर आप ये फोटो नीचे रखो, मैंने देख लिया है, आप नीचे रखिए, नीचे रखिए, पीछे वालों को परेशानी हो रही है। मान लिया, मैंने मान लिया, वो ले लेंगे। आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर, पीछे सबको परेशानी हो रही है। अगर आपसे देख लिया भाई, मेरी प्रार्थना है इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो, लोगों को परेशानी हो रही है। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, जब आर्टिस्ट ने इतने बढ़िया चित्र बनाया है तो मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है। मेरे करीमगंज और सिलचर के भाइयों बहनों, अगर आपसे जरा भी चूक हुई, कहीं कांग्रेस के पंजे को जरा भी ढील मिली,
तो केंद्र में पहली तरह वाली भ्रष्ट और कमजोर सरकार बनेगी। साथियों, कांग्रेस और एआईयूडीएफ की महामिलावट को मौका मिला तो देश का तबाह होना तय है, नुकसान होना तय है, आपका नुकसान होना तय है। इसलिए इन चुनावों में जरूर हिस्सा लीजिए। मैं खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर से कहूंगा कि वो अपना वोट बहुत सोच समझ कर डाले। भाई और बहनों, कांग्रेस का इतिहास समस्या पैदा करने का रहा है। समस्याएं सुलझाएं कैसे, ये उनको समझ ही नहीं आता। 1947 में देश के टुकड़े किए गए, आस्था के आधार पर देश का विभाजन किया गया, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि जिस पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, वहां जो माइनॉरिटी है उनके भविष्य का क्या होगा। जिस देश को एक पंथ के विरुद्ध भड़का कर बनाया गया, वहां हमारे बहन भाइयों के साथ क्या होगा, इसका ध्यान उस समय की कांग्रेस सरकार को नहीं आया। भाइयों और बहनों, कट्टरपंथियों के जुल्म से परेशान वहां के अल्पसंख्यकों की गुनहगार मां भारती में आस्था रखने वालों की गुनहगार कांग्रेस है कि नहीं है? कांग्रेस है कि नहीं है? साथियों, आज स्थिति यह है कि जो मंदिर और गुरुद्वारे जाते थे, ऐसे अधिकतर लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ करके भारत की शरण में आ गए। कांग्रेस के पाप ने उनको अपने ही देश में बिना देश का बना दिया है, उनकी पहचान पर संकट ला दिया है। आज भी पाकिस्तान में बेटियों पर जुल्म किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं। मजबूरी में जिनको अपना घरबार छोड़ना पड़ा, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने दशकों तक अधर में लटकाए रखा। इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कांग्रेस ने लाखों लोगों के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सबका हिसाब आपको करना है। भाइयों बहनों, करेंगे? भाइयों बहनों, मैंने जब 4 जनवरी को आया था तब भी कहा था, हम संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये लाने के लिए कमिटेड है। नागरिक अधिकार ये देने के लिए हम कमिटेड है, लेकिन हम ये काम समाज के सभी वर्गों के साथ बातचीत करके सबकी राय ध्यान में रखते हुए करेंगे। असमिया बहनों भाइयों की पहचान को पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए
सिटीजनशिप से जुड़े कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि किसी को अन्याय ना हो। भाइयों बहनों, चाय वालों के साथ तो कांग्रेस की दुश्मनी, चाय का नाम सुनते ही उनका स्वाद बिगड़ जाता है। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही एक चाय वाला हूं जिसको ये गाली देते हैं, लेकिन असम और पश्चिम बंगाल के चाय बगानों की तरफ भी कांग्रेस ने दशकों से नजर भी नहीं डाली। साथियों, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग सिर्फ चाय का स्वाद ले सकते हैं, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि चाय की पत्तियां चुनने में हाथ छिल जाते हैं। केमिकल की वजह से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। साथियों, ये चाय वाला आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। केंद्र और असम की सरकार ने पहले ही अनेक प्रयास शुरू कर दिए हैं। चाय जनजाति के लाखों परिवारों को दो किस्तों में 5,000 रुपए की मदद दी गई है। चाय बगान के 4,00,000 परिवारों को मुफ्त में चावल और 2 रुपए किलो चीनी देने का फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही किया है। चाय बागानों में काम कर रही प्रसूता माताओं को एक मुश्त 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथियों, अनेक साथियों को पक्के घर मिलने शुरू हो चुके हैं, शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। जिनको अभी तक अपना पक्का घर नहीं मिला है, उनको भी मैं कहता हूं, ये मोदी है। 2022 तक कोई बेघर नहीं रहेगा, हर किसी को पक्का घर मिलेगा, ये मेरा वादा है। और घर भी गरीब के पास अपना घर होगा, घर में बिजली होगी, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा और शौचालय भी होगा। ये काम आपका ये चौकीदार कर रहा है। भाइयों और बहनों, इसी तरह आयुष्मान योजना के तहत 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा हर गरीब परिवार को मिल रही है। इसमें चाय बगान के हमारे कामगार साथी भी शामिल है। चाय मजदूरों का बैंक में खाता भी खुल गया है। 60 वर्ष की आयु के बाद आपको हर महीने नियमित पेंशन मिले, इसका प्रबंध भी आपके चौकीदार ने किया है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि सिलचर, करीमगंज सहित पूरे असम की बहनों का वक्त मुझे मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता मेरे लिए क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं,
ये मोदी तो शौचालय का चौकीदार है, शौचालय का चौकीदार। अरे वो भले ही इसे गाली मानते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं मां बहनों के सम्मान की चौकीदारी कर पाया। मुझे खुशी है कि मैं गरीब बहनों के घर तक गैस पहुंचा पाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गांव की बहनों की आजीविका का साधन बन पाया, उनको शक्ति दे पाया। भाइयों और बहनों, तीन तलाक कानून पर भी दो टोक बात करना चाहता हूं। 23 मई को मोदी सरकार फिर एक बार 23 मई को मोदी सरकार फिर से मोदी सरकार बनना देश की जनता ने तय कर लिया है। इस पर बने कानून को, तीन तलाक पर बने कानून को संसद से पास कराने की कोशिश और तेज की जाएगी। कांग्रेस, AIUDF और उसके सहयोगी दलों की महामिलावट कितनी भी कोशिश कर लें, बेटियों को इंसाफ मिल करके रहेगा। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार असम के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने बराक वैली में रोड बनाने, यहां के रेलवे नेटवर्क को ठीक करने, दिल्ली और कोलकाता सहित देश के दूसरे राज्यों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया है। सालों से लटके 4-लेन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर भी काम को तेज किया गया है। इसी तरह सिलचर में मिनी सचिवालय बनाने का काम भी चल रहा है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का हाथ विकास के साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के साथ है। दिल्ली में इनके जो नेता है, वे ठगी, धोखाधड़ी और टैक्स चुराने के आरोप में जमानत पर है, बेल पर है। ये कांग्रेस के नेता जब आपसे वोट मांगने आए ना, तो उनको पूछो कि आपके नेताजी, उनकी माताजी जमानत पर क्यों है भाई? पूछोगे आप लोग? हाल में देश ने देखा है कि कैसे नोटों के बोरे बोरे भर करके इनके नेताओं के पास से निकला है। आपने टीवी पर देखा कि नहीं देखा? कहां से निकला है सारा? कांग्रेस के नेताओं की ये दुनिया है। साथियों, ये अपने शीर्ष परिवार को बचाने के लिए देश को भी दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन ये चौकीदार चौकन्ना है। किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगा। आप सभी भी चौकीदार हैं, आप सभी भाइयों बहनों को कमल के फूल के सामने बटन दबाकर इन लोगों के इरादों पर, बद इरादों पर पानी फेरना है।
बीजेपी एनडीए के उम्मीदवारों को दिया हर वोट मेरी ताकत बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, चुनाव के दिन आप जब कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना, तो वो कमल का बटन वाला वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। अब मैं आपके साथ एक संकल्प, एक नारा लगाना चाहता हूं। आप बोलेंगे मेरे साथ, सबके सब बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे, हाथ ऊपर करके बोलेंगे, ये दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार। मैं भी गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, स्टूडेंट्स भी, भाइयों बहनों, सारा हिंदुस्तान, हम सब मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की।